हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 116 टू 118 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 चैप्टर 4 एंड 5 सॉरी 5 एंड 6। सो सेक्शन 116 बात करता है कि होल्डिंग ओवर का इफेक्ट क्या होगा। तो अगर एक लेसी किसी भी प्रॉपर्टी के या फिर कोई भी लेसी के अंडर प्रॉपर्टी में रिमेन करता है पोजेशन में डिटर्मिनेशन के बाद लीज के जो लेसी को दी गई थी, तो जो लेसर है या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो अगर रेंट लेता है लेसी से या कोई भी अंडर लेसी से उसके, या फिर असेंट देता है कि वो लेगा, वो रह सकता है पोजीशन में, तो जो लीज़ है अगर कोई कॉन्ट्रेरी एग्रीमेंट नहीं है तो वो रिन्यू हो जाएगी साल टू साल या मंथ टू मंथ, जैसे भी उस प्रॉपर्टी का पर्पज़ रहा होगा लीज़ करने का, जैसा कि सेक्शन 106 में बताया गया है। सेक्शन 117 बात करता है कि लीज़ अगर एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए है तो उसमें क्या है। तो कोई भी चीज़ इस चैप्टर की अप्लाई नहीं होगी एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो लीज़ ली जाएगी उस पर, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डाल के पब्लिश करके ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर नहीं करती है कि पूरे या कौन से प्रोविजन उसके एप्लीकेबल होंगे ऐसे के सारे केस में या ऐसे कुछ केसेस में लीज़ के जो कि सब्जेक्ट होंगे लोकल लॉ के, अगर कोई भी उस टाइम पे फोर्स पे होगा तो उस टाइम पे, और कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो इफ़ेक्ट नहीं लेगी जब तक 6 महीने तक उस पब्लिकेशन के। फिर सेक्शन 118 बात कर रहा है, ये चैप्टर 6 में है एक्सचेंज। तो जब दो पर्सन म्यूचुअली एक दूसरे को ओनरशिप देते हैं एक चीज़ की दूसरे के बदले, और वो कोई चीज़ जो है या फिर दोनों चीज़ें सिर्फ मनी नहीं होंगी, मतलब कि मनी नहीं होंगी, तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो एक्सचेंज कहलाएगा। और ट्रांसफ़र जो है एक्सचेंज पे जो हो रहा है उस प्रॉपर्टी का, वो सिर्फ ऐसे मैनर में हो सकता है जैसा कि प्रॉपर्टी बाय सेल में होता है। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।